हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब पहले से बहुत अच्छे से होंगे। मेरी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर बनाकर रेडी किए हैं बहुत ही यमी सा ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, सोया चंक्स और बेसन चीला, जो कि आप बिल्कुल किसी भी टाइम पर खा सकते हैं, नाइट में, डिनर में और ब्रेकफास्ट में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं चटपटे से चीला। तो इसके लिए लिया है मैंने सोया चंक्स। ये सोया चंक्स कहीं भी मार्केट में, घर में, कहीं भी अवेलेबल हो रहते हैं हर जगह। तो आप मार्केट से परचेस कीजिए या ऑनलाइन मंगा लीजिए। तो बस यहाँ पर पानी को मैंने गर्म करने रख दिया था और गैस को बंद कर दिया था। गर्म अच्छे से हो चुका, तो अब इसमें हम सोया चंक्स डाल देंगे एक कप भर के। तो सोया चंक्स को अच्छे से 15 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे गर्म पानी में, और 15 मिनट के बाद ये काफ़ी फूल कर बड़े हो जाते हैं। बहुत ही डबल पानी भर जाता है इनमें और ये फूल जाते हैं। इनमें जो ऑयल रहता है सारा निकल जाता है, और इस तरह से हम दबा दबा कर पुश करेंगे तो बस इनका सारा पानी निकाल देंगे और इनको मिक्सर ग्राइंडर में हम ग्राइंड कर लेंगे। हमें ग्राइंड इतना करना है जिससे ये दरदरा सा हो जाए। तो यहाँ पर अच्छे से दरदरा सा हमने पेस्ट बना लिया है इसका। हमें इससे ज़्यादा नहीं ग्राइंड करना है, नहीं तो ये बेकार इसका स्वाद आएगा। तो बस यहाँ पर हमारा सोया चंक्स के हमने दरदरा सा पेस्ट बना लिया है। अब इसमें 2 कप हम बेसन मिलाएंगे, और बेसन को मिलाने के बाद इसको हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से दबा दबा कर। जितना पानी हम लगेगा इसमें ऊपर से डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। एकदम हमें पानी नहीं डालना है इसमें, नहीं तो ये गीला हो जाएगा और हमारे चीले अच्छे से नहीं बनेंगे। तो बस मैंने इस तरह से इसको मिक्स करते हुए हाथ की मदद से इसको अच्छे से मिलाया, जिससे इसमें कोई लम्स ना रहे। और ये देखिए हमारा पेस्ट अच्छे से बन के रेडी हो चुका है। अब ऐसा ही इसको रहने देते हैं, ज़्यादा इसमें पानी ऐड नहीं किया है। अब यहाँ पर जो भी आपके पास सब्जी अवेलेबल हो आप वह इसमें डालिए, जो भी आप घर में पसंद करते हैं। तो बस यहाँ पर प्याज, टमाटर मैंने ऐड नहीं किया है, गोभी, पत्ता गोभी, और यहाँ पर गाजर, मटर, आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। तो बस मैंने तो यहाँ पर सिर्फ प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया ही ऐड किया है, क्योंकि और सब्जी इसमें मेरे बच्चों को पसंद नहीं है। तो बस यहाँ पर मैंने सब इसमें ड्राई मसाले ऐड कर लिए हैं, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, धनिया पाउडर, नमक और हल्की सी कलर के लिए हल्दी। तो बस इन सब चीज़ों को डालकर भी हम इसे मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर चटपटा थोड़ा सा स्पाइसीनेस आए तो इसमें थोड़ा सा हम आधा चम्मच जो चाट मसाला ज़रूर ऐड करें, जिससे हमारे इसमें चीले में चटपटापन आएगा। यहाँ पर मैं मस्टर्ड ऑयल में ये चीला बना कर रेडी कर रही हूँ। तो बस सबसे पहले मैंने इसको आप ब्रश से अप्लाई किया मस्टर्ड ऑयल को, ऊपर से मैंने चीला को डाला और चीला को अच्छे से हाथ से फैलाया उंगली की मदद से, जिससे ये अच्छे से फैल गया और काफ़ी बड़ा हो गया है। तो बस आप भी इस तरह से बनाइए। ये जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, और इससे तो हम 2 चीले खाएंगे सोया चंक्स वाले, तो इससे काफ़ी टाइम तक हमें भूख नहीं लगेगी और हमें जो प्रोटीन मिलना चाहिए सब्जियों और सोया चंक से हमें अच्छा से प्रोटीन मिल जाएगा। तो मस्टर्ड ऑयल में ये बनाकर बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बन के रेडी होते हैं। उतना ही 1 चम्मच से भी कम ऑयल लगता है इस तरह से। तो बस आप ब्रश से डालिए और इसको अलट पलट करके बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बनाइए। तो लो, तैयार हैं हमारे सोया चंक्स बेसन चीला, जो कि हेल्दी और टेस्टी भी हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखें। थैंक यू एंड बाय बाय। अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।